नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। यूपी में वोटिंग के दौरान फर्जी मतदान का मामला इन दिनों खूब तूल पकड़ रहा है। पहले चरण के मतदान के दौरान भी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई थी, जहां बुरके की आड़ में फर्जी मतदान की कोशिश की गई थी। हालांकि इस तरह की खबरें सामने आने के बाद सरकार ने सख्ती बरती और बुरका उतार कर महिलाओं का चेहरा वोटर आईडी से मिलाया गया। इस दौरान कुछ लोगों की धरपकड़ भी की गई। अब ऐसी एक और खबर यूपी के एटा से निकलकर सामने आ रही है, जहां फर्जी वोटिंग की खबर ने पूरे इलाके में हलचल तेज कर दी है। क्या है पूरी खबर, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। फर्जी वोटिंग से मचा हड़कंप, एक ही शख्स ने की 8 बार वोटिंग, पोलिंग टीम को किया गया निलंबित, दोबारा मतदान कराने की सिफारिश। लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता को तार तार करता एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक ही युवक कई बार वोट डालते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो पर विवाद खड़ा होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने युवक के खिलाफ एटा में मुकदमा दर्ज कराया है, साथ ही पोलिंग टीम को भी निलंबित करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संबंधित मतदान केंद्र में पूर्व मतदान की सिफारिश ECI को की गई है। बता दें कि इस वीडियो के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर इसको पोस्ट करके चुनाव आयोग और BJP पर जमकर हमला बोला है। वायरल वीडियो में एक युवक 8 बार वोटिंग करता हुआ दिखा जा सकता है। आरोप है कि वह बार बार पोलिंग बूथ पर आया और हर बार वोटिंग करता गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया कि सोशल मीडिया में एक व्यक्ति का कई बार मतदान करने का वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घटना पर एटा जिले के नया गांव थाने में IPC की धारा 171F और 419 और RP अधिनियम 951 की धारा 128, 132 और 136 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि वीडियो में कई बार मतदान करते दिखाई देने वाले व्यक्ति की पहचान राजन सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने राजन सिंह को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा मतदान दल के सभी सदस्यों को निलंबित करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही संबंधित मतदान केंद्र के पूर्व मतदान की सिफारिश ECI को की गई है। अधिकारी ने कहा है कि यूपी के अन्य चरणों में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाताओं की पहचान की प्रक्रिया का कठोरता से पालन करने के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि पिछले यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी फर्जी वोटिंग की खबरें सामने आई थी, जहां दूसरे चरण में रामपुर में फर्जी वोटिंग करते हुए 2 महिलाएं पकड़ी गई थी। पकड़ी गई महिलाएं बुर्का पहनकर वोट करने आई थी। दोनों महिलाएं मां बेटी थी, इसमें एक ने फर्जी वोटिंग भी कर दी थी। पकड़ी गई महिलाओं के नाम रानी और मुस्कान बताया गया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। उत्तर प्रदेश के 55 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही थी, तभी रामपुर में फर्जी वोटिंग की खबर सामने आई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 बुर्का पहने महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया था। मामला जिले की शहर विधानसभा क्षेत्र में GRP कॉलेज में बने मतदान स्थल का था। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने कतार में खड़ी अन्य महिलाओं को ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मतदान कर्मी प्रशिक्षित हैं और फर्जी वोटिंग नहीं हो सकती। जिला अधिकारी ने आगे बताया था कि पुलिस और पीठासीन की ओर से फर्जी वोटिंग की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद ही जानकारी के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। इतना ही नहीं, संभल सदर कोतवाली पुलिस ने पिछले चुनाव के दर्ज मुकदमे में नामजद आधा दर्जन महिलाओं को थाने बुलाकर फर्जी वोटिंग ना करने की नसीहत दी है। CO अनुज चौधरी ने थाने में ही मुस्लिम महिलाओं को सामने बैठाकर 2 टूक कड़ी चेतावनी दी थी। CO ने महिलाओं से कहा कि आप लोगों के द्वारा पिछले चुनाव के दौरान जिन प्रत्याशियों के लिए फर्जी वोटिंग डाला गया था, आज वो प्रत्याशी आपको पूछने वाले नहीं हैं और आप लोग मुकदमेबाजी में भी अपना पैसा ही खर्च कर रहे हैं, तो आप लोग उनके लिए रिस्क लेकर क्यों फर्जी वोटिंग डाल रहे हैं। इस बार आपको बिल्कुल साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आप लोगों के द्वारा फर्जी वोटिंग का काम दोबारा किया गया तो इस बार हम लोग बेहद सख्त कार्रवाई करेंगे और आप लोगों के द्वारा गैंग बनाकर फर्जी वोटिंग करने की वजह से आपके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इस बार संभल पुलिस का संकल्प है कि हम एक भी फर्जी वोट नहीं पड़ने देंगे। CO का कहना था कि संभल में पिछले चुनाव में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें काफी लोग नामजद किए गए थे। 19 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इन लोगों के पास से वोटिंग वाले दिन आधार कार्ड, मोबाइल फोन और फर्जी ID कार्ड बरामद हुई थी।
जागरूकता और चेतावनी देने के लिए लिहाज से इन लोगों को थाने बुलाया गया था। इन लोगों को स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि अगर आप लोग इस बार भी फर्जी वोटिंग करेंगे तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि संभल में तीसरे चरण में ही मतदान हो चुका है, जो कि बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। चूंकि इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, इसलिए मौजूदा केंद्र सरकार ने भी इसे रोकने के लिए तरकीब निकाली है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों को हथियाने के लिहाज से सियासी पार्टियां और नेता हर दांव आजमा रहे हैं। वहीं मुस्लिम इलाकों में होने वाली फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बीजेपी ने इस बार खास रणनीति तय की है। पार्टी ने बुरके की आड़ में होने वाली फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर इस बार मुस्लिम समुदाय की ही बुरका नशी महिला कार्यकर्ताओं को एजेंट बनाने का प्लान तैयार किया है। जिन मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं को एजेंट बनाया जाना है या फिर पोलिंग सेंटर के बाहर रास्ते पर बिठाकर फर्जी मतदाताओं की निगरानी कराई जानी है, इन दिनों उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। पार्टी इसके लिए उन मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन कर रही है जो ना सिर्फ तेज तर्रार है बल्कि वोटिंग के दौरान होने वाली गड़बड़ियों और खामियों से बखूबी वाकिफ है। इन महिला कार्यकर्ताओं के सिलेक्शन और वर्कशॉप के जरिए ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे को दी गई है। बीजेपी का मानना है कि विपक्षी पार्टियां बुरके की आड़ में बड़ी तादाद में फर्जी वोटिंग कराकर उसे नुकसान पहुंचाती है। बुरका नशी महिला कार्यकर्ताओं को चुनावी मोर्चे पर फ्रंट पर लाकर इस बार ना सिर्फ मुस्लिम वोटरों में पैठ बढ़ानी है बल्कि मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर विपक्ष की फर्जी वोटिंग की साजिश को नाकाम भी करना है। बीजेपी रणनीतिकारों को इस बात की जानकारी है, विपक्षी पार्टियां आमतौर पर हर चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर फर्जी वोटिंग कराती है। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं बुरके में होती है, उनका चेहरा ढका रहता है। ऐसे में मतदान से जुड़े कर्मचारियों से लेकर पोलिंग एजेंट तक बोगस वोटिंग पर चाहकर भी कुछ खास नहीं कर पाते। बीजेपी की रणनीति है कि इस बार मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर मुस्लिम महिलाओं को ही एजेंट बनाया जाए और बूथ से लेकर पोलिंग सेंटर के बाहर तक बुरका नशी महिला कार्यकर्ताओं से ही निगरानी करवाई जाए। इसके लिए जिन मुस्लिम महिलाओं का सिलेक्शन किया जा रहा है उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पार्टी का मानना है कि महिला और मुस्लिम एजेंट होने की वजह से फर्जी वोटर ज्यादा प्रतिरोध भी नहीं कर सकेंगे। एजेंट बनकर उन्हें कैसे काम करना है और किस तरह से मॉनिटरिंग करनी है, इसके लिए सिर्फ 10-10 महिलाओं के ग्रुप को ही ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें बारीकियां बताई जा रही हैं, अगर कोई गलत करने की कोशिश करता है तो पोलिंग ऑफिसर के जरिए कैसे उसे रोकना है और कैसे पुलिस प्रशासन की मदद लेनी है, यह भी बताया जा रहा है। बीजेपी का मानना है कि अगर मुस्लिम महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें पोलिंग एजेंट बनाए जाने की खबर प्रचारित हो गई तो विपक्षी पार्टियां की फर्जी वोटिंग टीम वैसे ही डर जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित मुस्लिम महिलाएं भी इस बार चुनाव में पोलिंग एजेंट बनाए जाने से खासी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि वह विपक्ष की बुरके की आड़ में होने वाली फर्जी वोटिंग की साजिश को ना सिर्फ पूरी तरह नाकाम करेंगी बल्कि पीएम मोदी के 400 पार के संकल्प में अपना अहम योगदान भी देंगी। बीजेपी के बुरके वाली यह रणनीति कितना कारगर साबित होती है इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन यह जरूर है कि बुरका पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी अब एक तीर से कई निशाने साधने की फिराक में है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की तैयारी होने के बाद भी फर्जी वोटिंग की एकाध घटनाएं सामने आ ही जाती हैं, लेकिन यह भी सच है कि सरकार की सख्ती के कारण ऐसी घटनाओं को कम किया जा सका है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस, कैपिटल टी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।